देखिए मित्रों, मेरे गांव के खेत में एक खेत में मेहल का पेड़ है जिसको मेव कहते हैं। ये है मेहल के फल इस प्रकार से। अभी तो ये कच्चे हैं, बाद में फल पक जाएंगे। फलों की बात तो जो है, इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑर्किड। ये देखिए, इसमें ऑर्किड लगे हुए हैं। ये देखिए ये ऑर्किड लगा हुआ है। ये आगे ये देखिए ऑर्किड लगा हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं। ये देखिए ये ऑर्किड है, ये देखिए ये ऑर्किड है, ये ऑर्किड है, ये देखिए ये जो फूल हैं ऑर्किड के, येलो येलो फूल जो आपको दिख रहे हैं ये ऑर्किड के। ऐसे ही बांज के पेड़ हैं, बांज के पेड़ में भी ऑर्किड लगा हुआ है, फर्न्स लगे हुए हैं। तो ये ऑर्किड और फर्न्स ये सब जो लगे हुए हैं एक हेल्दी इकोलॉजी को बताते हैं। ये देखिए ये ऑर्किड, येलो फ्लावर्स जो हैं ये ऑर्किड के हैं। और ऑर्किड के नीचे उसकी जड़ें हैं। ये देखिए ये वाइट वाइट जो है नीचे जड़ें हैं इसकी। ये देखिए जो वाइट जो ये जड़ें दिख रही हैं आपको, ये ऑर्किड की हैं। इस पर लगा हुआ ऑर्किड ब्रांच में, इन जड़ों के ऊपर देखिए इसकी स्टेम, स्टेम के बाद इसकी लीव्स आती जा रही हैं, लीव्स के बाद इसके येलो कलर के फ्लावर्स। ये देखिए ये ऑर्किड लगा हुआ है। तो ये ऑर्किड क्या है, एक हेल्दी इकोलॉजी को बताता है। ऑर्किड्स पेड़ पौधों में लगने चाहिए, फर्न्स पेड़ पौधों में लगने चाहिए। ये देखिए ये भी एक प्रकार से एक फर्न ही है, मॉस ग्रास लगी हुई है। तो जहाँ जहाँ नमी होगी जंगल में पेड़ों में, वहाँ पे आपको ये ऑर्किड्स मिलेंगे। ये देखिए एक और ऑर्किड है। ये देखिए ये ऑर्किड की जड़ें देखिए आप सामने।